वेलकम गाइस। तो चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे कि जावा में हम जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं और फिर नेटिव इंसाइड में हम कैसे जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं फिर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और अपने आईडी को ओपन कर लेते हैं। नेटविंस का न्यू वर्जन रिलीज हो गया और आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो देख लीजिए और फिर डाउनलोड कर लीजिए। तो ये रहा मेरा नेटविंस आईडी, हम ओपन कर लिए। ये रहा मेरा स्टार्टअप पेज, इसको हम अभी रहने देते हैं और सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो जावा विथ एंड सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जावा एप्लीकेशन का नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो जीयूआई डेमो के नाम से हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। और यहाँ जो क्रिएट मेन क्लास है आप अभी इसको अनचेक कर दीजिए और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। अगर सिंपल प्रोग्रामिंग आपको करना है तो मेन क्लास जो है उसको सिलेक्ट करके आप प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। अगर सिंपल प्रोग्रामिंग नहीं करना, आपको एप्लीकेशन बनाना है या फिर जीयूआई बेस्ड कोई भी प्रोग्रामिंग करना है तो आप उसको अनचेक करिए, उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सोर्स पैकेज में आ जाना है। यहाँ देखिए डिफॉल्ट पे क्लिक राइट क्लिक करना है हमको और न्यू बटन पर क्लिक करना है। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने में। इसमें से हमको जे फ्रेम जो यहाँ है सेकेंड ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्रेम का नाम चूज करना है। तो हम जीयूआई फ्रेम का नाम दे देते हैं और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। सो मेरे देखिए जे फ्रेम बन के रेडी हो गया। अब इस पर हम प्रोग्रामिंग जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से हमको चूज करना है कि हम कौन सा ले सकते हैं, जैसे स्विंग कंट्रोल्स हैं, जे लेवल्स हैं, बटन्स हैं, चेकबॉक्स हैं। हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाए हैं, जीयूआई करके एक प्ले लिस्ट है, आप उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। या हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे हम सिंपल वे में बटन को यूज़ करते हैं। तो हम एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, फिर इसका जो आप कोडिंग करना चाहते हैं सोर्स में आके इसका कोडिंग कर सकते हैं, बैकिंग कोड और डिजाइनिंग पार्ट में इसका डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम अभी यहाँ पर करके दिखाते हैं। इसके टेक्स्ट को हम क्लीन कर देते हैं और इस पर हम लिख देते हैं प्रिंट। इस पर हम क्लियर। अगर हम प्रिंट बटन पर क्लिक करें तो इसमें हमको प्रिंट लिख दे लिख के आएगा। उसके बाद अगर हम क्लियर बटन पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लीन हो जाएगा। जैसा चाहे आप डिजाइनिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका बैक एंड कोड करते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कैसे वर्क करेगा ये। तो हम प्रिंट पे पहला राइट कोड करेंगे तो प्रिंट बटन पे आ जाएंगे। इसमें हम लिख देते हैं ये टेक्स्ट फिल वन डॉट सेट टेक्स्ट, और जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे प्रिंट लिखें तो प्रिंट लिख दिए। देन इसके बाद हमको नेक्स्ट क्या करना है कि अब जब हम क्लियर पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वो मेरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे टेक्स्ट डॉट सेट, सेट टेक्स्ट एक मेथड है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को सेट करेंगे। क्लीन कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ से रन कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे ओके। वेट कर लीजिए थोड़ा सा, देखिए टेक्स्ट मेरा रन हो गया। अभी ये बहुत छोटा सा शो हो रहा है तो चलिए इसको हम पहले मैनेज कर लेते हैं, फिर से रन करके उसके बाद देखेंगे। डिजाइनिंग पार्ट में आएंगे, इसका हम थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। देन इसके बाद फिर से रन कर लेते हैं, देखिए साइज हो गया बड़ा। अब जैसे हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं देखिए इसमें प्रिंट लिख के आ जा रहा है, और क्लियर पर क्लिक करते हैं तो क्लियर लिख के आ जा रहा है। हम इस पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। या सिंपल वे में हम अभी इसमें बताए बस कि आपको अगर जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग करना है आपको जावा में तो नेटविंस आईडी का यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल ईजी वे में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट जाके आप एक्सेस करके बहुत सारे वीडियो हम अपलोड किए हैं वहाँ से आप देख सकते हैं।